हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं अभी 8 बज रहे हैं। रुदांस अभी स्कूल जाएगा, सो वो अभी पीछे बैठ के ना ब्रेकफास्ट कर रहा है। देखो इसको ठंडी भी इतनी ज़्यादा लग रही है, सॉल ओढ़ के बैठा हुआ है। और मैंने आज बनाया हुआ है पास्ता, क्योंकि आज है चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर है, तो उसके स्कूल में कुछ सेलिब्रेशन होगा चिल्ड्रंस डे का। हाँ, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती थी, डांस होता था, बहुत सारी शॉप वगैरह लगाते थे हम लोग, मतलब बहुत सारी दुकान है खाने पीने की, ये सब रहता था, क्राफ्ट व्राफ्ट की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट इनके स्कूल का नहीं पता क्या होगा, तो थोड़ा बहुत जो भी होगा, सो स्कूल वालों ने बोला है कुछ भी आप मतलब खाने के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें रख सकते हो। अच्छी चीज़ में मेरे पास पास्ता था, तो मैंने वही बनाया है और पास्ता बिल्कुल बन गया है, मैंने उसको दे दिया है। ये देखो मेरा पास्ता ये रेडी हो गया है। सुबह सुबह दूध आ जाता है ना, सो दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, वो भी बॉईल हो गया है। और जब सुबह दूध वाला आता है ना, एक तरीके से अलार्म टाइप का है, सो वो सुबह आया था, सो मैं जब से ही उठी हुई हूँ, फिर मैंने इसके लिए टिफिन रेडी किया। इसको रेडी करना है, टिफिन रेडी करना है, इसका बैग रेडी करना है, बुक्स वगैरह सारी इसकी पड़ी हुई है। एंड देन फिर मिलती हूँ मैं आपको। सो ये हो गया है रुद्रांश का टिफिन रेडी, उसकी मनपसंद कुकीज़ रखी हुई है, थोड़े से नट्स रख दिए, एंड ये एप्पल कट करके रख दिया है मैंने, और ये है उसका पास्ता, ऊपर से मैंने थोड़ा सा सॉस और ऐड कर दिया है। टिफिन रेडी हो, बाय। गैस पे अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, चाय में जब तक उबाल आएगा तब तक मैं थोड़े से अपने काम निपटा लेती हूँ। किचन बहुत मैसी हो जाती है सुबह सुबह ना, कुछ भी बनाओ, तो आज तो मैंने खाना नहीं बनाया, नहीं तो मेरा सुबह में ही खाना बन जाता है, क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं ना, तो इनको टिफिन पैक करके देना पड़ता है। मंडे फ्राइडे ये जाते नहीं है, हफ्ते में 3 दिन जाते हैं, तो मेरा खाना बन जाता है सुबह में, बट आज नहीं गए, तो मैंने ब्रेकफास्ट ही बनाया है। सो चाय बनने रख दी है, ये गए हैं स्कूल छोड़ने के लिए, उसको जब तक वहाँ से आएंगे, जब तक चाय बन जाएगी तब तक मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। दोनों का ब्रेकफास्ट, चाय पीते हैं एंड पास्ता खाते हैं। तभी मैंने लंच रेडी कर लिया है, लंच में बनी है अरहर की दाल एंड चावल, सो आज हम लोग दाल चावल खाएंगे। बाबू स्कूल से आ गए, चिल्ड्रंस डे पे ये चॉकलेट मिली स्कूल में। हेलो गाइस, आज मैं रुद्रांश हूँ, लेकिन आज बताओ, आज मम्मा मुझे एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली है, लास्ट में स्टोरी भी आपको दिखाऊंगा। मम्मा क्वेश्चन करेगी एंड आप आंसर दोगी। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रुद्रांश कुमार। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 5 इयर्स ओल्ड। व्हिच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी केजी क्लास। व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम? माय क्लास टीचर नेम इज अल्पिता मैम गुप्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी कैन डू विद अवर हैंड? आई कैन टच, आई कैन ड्रिंक, आई कैन होल्ड थिंग्स होल्डिंग विद अवर हैंड। ओके, नेम 5 सेंस ऑर्गन्स। ईयर्स, नोज, टंग, आई, स्किन। नेम 2 थिंग्स यू आर एबल टू डू बाय योरसेल्फ। आई कैन ब्लश, I can eat myself. In which room do we eat our food? Dining room. How many members are there in your family? 7 members. I have 7 members in my family. 7 members. 7 members in my family. थैंक यू फॉर वॉचिंग। रुद्रांश का छोटा सा मामा ने टेस्ट लिया है, अभी हो गया हमारा टी टाइम। अरे ये हमारी टी की चोरी कर लेता है। ये रुद्रांश के लिए मिल्क, ये हम दोनों के लिए चाय रखी हुई है, ये रुद्रांश को बिस्किट, एंड ये है चूड़ा जो मम्मी ने बनाया हुआ था दिवाली पे। सो चूड़ा विद चाय। कहाँ जाने के लिए रेडी हो? मम्मा विशाल जाने के लिए।
और अब मेरा 17 को हैप्पी बर्थडे आता हूँ हैप्पी बर्थडे का चावल लेने के लिए। ये टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 7 और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर सामान लेने के लिए। सामान क्या लेने जा रहे हैं, रुद्रांश का है बर्थडे और आज है 15 नवंबर, रुद्रांश का बर्थडे है 17 नवंबर को। सो बस कल का दिन है, आज का दिन तो पूरा निकल ही गया, बस कल का दिन बचा है, परसों उसका बर्थडे है, कुछ भी सामान नहीं आया। और अभी हम लोग जब घर गए थे, घर से आने के बाद हम लोग एक बार भी मार्केट नहीं गए कुछ भी खरीदने के लिए। सो जाते हैं थोड़ा बहुत राशन पानी और उसके डेकोरेशन का सामान एंड जो भी है बचा कुचा बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे हम लोग। सो मार्केट जा रहे हैं, ये ऑफिस से आके ना अपना काम लेके बैठ गए। मैं बोला था इनको कि जल्दी आना और जल्दी आ भी गए और फिर उधर से आके ये फिर बैठ गए। इससे अच्छा इनके आने का कोई मतलब नहीं था, इससे अच्छा तो ये आते ही नहीं, ऑफिस से ही लेट आते तो ज़्यादा मुझे खुशी होती, बट ये कोई मतलब नहीं, आके ऑफिस का काम लेके फिर से बैठ गए। सो मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल मार्केट जाने के लिए, रुद्रांश रेडी हो गया बिना जूस के पीला खाना बना लिया, उधर से आके खाएंगे। अभी मार्केट चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, चलें। एक सेकंड, ये मेरे को पता है आधे घंटे से बोल रहे हैं, इनका एक सेकंड खत्म नहीं हुआ अभी तक, बट कोई नहीं, काम भी जरूरी है, आज मार्केट जाना भी जरूरी है क्योंकि कल भी फिर इनका ऑफिस है, कल इनकी मीटिंग रहेगी तो फिर जाना नहीं हो पाएगा, फिर मुझे अकेले जाना पड़ेगा अगर आज नहीं जा पाएंगे तो, बट आज जाना जरूरी है। मैं 5 ईयर का रुद्रांश अभी 5 ईयर का हो जाएगा, सो हम उसका 5th ईयर वाला बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मेरे पता है ब्लॉग इतने लेट जा रहे हैं, बट अब मैं लेट नहीं डालूंगी, घर जाती हूँ ना तो पता है मेरे साथ क्या होता है, तो वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाता है, सेकंड नेटवर्क मतलब इंटरनेट का भी दिक्कत होता है। सो मैं ना वीडियो में सोचती हूँ जब मैं पहुँच जाऊँगी यहाँ दिल्ली और फिर आके ना मैं आराम से तसल्ली से एडिट करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड इतनी ज़्यादा भाग दौड़ भी हो जाती है और फिर लाइट भी नहीं रहती है और कई बार इंटरनेट का भी इशू रहता है तो मैं एडिट भी नहीं कर पाती हूँ, सही बताऊँ ना, तो फिर मैं इसलिए ना तुरंत की तुरंत अपलोड नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं जब यहाँ पहुँच जाती हूँ दिल्ली तब उसके बाद मैं तसल्ली से एडिट करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसलिए मुझे आज कमेंट्स आया था कि इतना लेट ब्लॉग डाल रहे हो, थोड़ा तो चलता है यार कभी कभार, मतलब अगर आप जा रहे हो तो फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ बट एडिट करने के लिए फिर टाइम भी लगता है, ऐसा तो है नहीं कि भी 2-5 मिनट में एडिट हो जाएगा, अच्छा खासा एडिट करने के लिए टाइम लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि फिर जब मैं फ्री होंगी ना तब एडिट करूँगी और फिर इनको भी टाइम देना पड़ता है, स्कूल लेने जाओ, इसका होमवर्क करवाओ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें मैं एडिटिंग का काम करती हूँ। सैंडल पहन लो, हाय तो बोलो। फाइनली हम निकल पाए, चलते हैं अब, हम लोग पहुँच गए हैं, अंदर चलते हैं। अब मन के कपड़े निकाल लिए, इनमें से कोई भी नहीं लेना है, चलो ये खाली करो, इसमें से कुछ भी नहीं लेना है, ये दोनों सही, बस ये आर्मी वाले कपड़े निकाल लेते हो, पढ़ाई करो आप खुद आर्मी मैन बनो तो आपको ये ड्रेस मिलेगी। हाँ नो, आई सेड नो, नो पुट इट बैक, नो ओके। हम लोग आ गए हैं सामान लेने के लिए घर का और ये है हमारी पर्ची, इसमें से सामान निकालते हैं, डिशवॉश जेल एंड हार्पिक और ये फ्लोर क्लीनर। सो ये पैकअप 3 ये ले लिया हमने। मम्मा ऐसा लग रहा बेबी पाल, किसका बेबी पाल रहे आप? वाइपर का। अच्छा वाइपर का बेबी भी होता है, लेके आए सनस्क्रीन, किसके लिए सनस्क्रीन नहीं है, पाउडर है। चलो ये हो गई हमारी खरीदारी, इतने से सामान को हम दो लोग पकड़ के जा रहे हैं, इनसे टंग नहीं रहा आज। तो ये ले लिया हमने कलर 10 है ना, क्या हो गया? सब्जी ले रहा है बेटा, सब्जी ले।
अभी हो रहा है नेक्स्ट डे। कल ना इतना ज़्यादा लेट हो गया था तो फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया। रोजांस को स्कूल भी जाना था इसलिए फिर हम लोग वहाँ से आए, खाना वगैरह खाया और सारी सब्जी वगैरह मैंने सब ऐसे ही रख दी थी, कुछ भी नहीं किया था, बस खाना खा के सो गए थे क्योंकि मैं बना के पहले से ही गई हुई थी। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो रही है, ये दोनों निकल गए हैं, फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है फिर से उसको। मैं अपने काम पर लग जाती हूँ, थोड़े बहुत मुझे जो घर के काम है वो निपटाने, एंड एक ब्लॉग है मुझे वो एडिट करना है एंड उसको भी पब्लिश करना है। और सारी सब्जियां मैंने धुल के यहाँ पे रख दी, और ये रखी हुई है मेथी, तो मेथी को मैंने साफ कर लिया, मेथी पालक एंड धनिया को, तो उसमें इतना सारा कचरा निकला है एंड धनिया में ढेर सारा लेके आई थी तो मैंने इसको साफ करके पन्नी में रख दिया है। इसमें मैंने पालक को भी साफ करके पन्नी में रख दिया, ये मेथी रखी हुई है, सो इन सबको अभी मैं फ्रिज के अंदर रखूंगी। मैं गई थी रुदांश को स्कूल से लेने के लिए और ये देखो हम दोनों चले आ रहे हैं स्कूल से। चलो 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 जल्दी चलो, ऊपर आ गया। लाइट ऑफ करके आओ, ये लाइट क्यों ऑन की। ये वाला ब्लॉग ना मेरा कितने दिन से चला आ रहा है कंटिन्यूसली, मैंने 14 को स्टार्ट किया था, 14 15 एंड आज है 16। सो अब मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। देखो धूप कितनी अच्छी निकली हुई ना, अब ठंडी का मौसम आ गया ना तो धूप काफ़ी अच्छी लगने लग गई है, ऐसा लगता दिन भर बस धूप में ही बैठे रहो। सो अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, धूप भी आ रही है, बालकनी में अच्छी खासी धूप आ जाती है। और गाइस ये वाला जो मेरा ब्लॉग है ना काफ़ी दिनों से चला, काफ़ी दिन मतलब मैंने 14 से स्टार्ट किया था, 14 15 एंड आज है 16। सो अब मैं इस ब्लॉग को और आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि कल के ब्लॉग में जो है रुदांश का बर्थडे वाला ब्लॉग। और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं रुदांश के बर्थडे वाले ब्लॉग में, और तब तक ये बाय बाय।